Hey guys, I'm Yuvraj and welcome back to another vlog. पहले आपने देखा होगा सिरेमिक ग्राफीन कोटिंग हम लोग करा रहे थे, तो वो सब हो गया था। उसके बाद दो दिन बाद सिरेमिक वॉश होता है, जिसके बाद जो आपकी कोटिंग होती है ना वो सेटल डाउन होती है, उसका कोई और रेजिड्यू हो तो वो हट जाता है। प्लस एक चीज़ और होती है कि जो डस्ट थोड़ी सी पहले ज़्यादा कलेक्ट हो रही थी गाड़ी पे, वो कम हो जाती है। उसके लिए हम आए हैं सिरेमिक वॉश के लिए यहाँ पे डिटेलिंग डेवल्स पे। चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ मैं, गाड़ी सामने ही खड़ी है यार। अभी ये लोग वैक्यूम क्लीनर से साफ कर रहे हैं गाड़ी को, अंदर से सारा धूल वूल निकाल रहे हैं। और गाड़ी पे डस्ट तो ऐसा मतलब इकट्ठी हो गई है, बट ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो गाड़ी में चमक थोड़ी सी बेटर हो गई है। मतलब डस्ट होने के बाद भी आप देख रहे हो गाड़ी चमक रही है, तो वो चीज़ है। बाकी देखते हैं क्या होता है सिरेमिक वॉश के बाद। दो चीज़ें तो मैंने ऑब्जर्व करी है, मैं आपको बता दूँ। पहली, एक तो इसकी जो गाड़ी के ऊपर के जो सरफेस की चिकनाहट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। प्लस दूसरी चीज़ यह है कि इस पर पानी डालोगे तो वो रुकता नहीं है। तीसरी चीज़ यह है कि अगर धूल और बाकी सारी चीज़ें भी हैं वो साफ़ करोगे तो आराम से साफ़ हो रही है कंपेरेटिवली पहले से। बट धूल इकट्ठी कितनी होती है वो अगर देखते हैं कम होता है कि नहीं इस वॉश के बाद। सिरेमिक वॉश क्लीन हो चुकी है और सामने हैं युवराज जी। कैसे हो सर, क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। तो आज क्या काम हुआ है मेरे लिए इसमें गाड़ी में, मतलब क्यों बुलाई है? हमने जो आपको तो आज उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री सिरेमिक वॉश रहता है इनिशियली, ताकि जो अभी कोटिंग के रेसिड्यूज वगैरह या जो थोड़े बहुत कंपाउंड पॉलिश के रेसिड्यूज वगैरह उसको क्लीन करते हैं हम। प्लस अब आपकी गाड़ी पे जो फिंगरप्रिंट्स की जो आप प्रॉब्लम जो आप मेरे को बता रहे थे, तो हाँ, फिंगरप्रिंट्स आ रहे थे कि वो चीज़ अब आके सॉल्व हो जाएगी ना, तो आप देख भी सकते हो कि वो चीज़ अब नहीं है। देखते हैं यार, थोड़ी सी मतलब है हल्की सी, बट कंपैरेटिवली अभी एक नहीं है। एंड वाली है, पर अगर यू आफ्टर वॉशिंग दैट अगर आप नॉर्मली करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, राइट? प्लस कंपैरेटिव दैट डे आज गाड़ी थोड़ी ज्यादा ग्लो से शाइन की करती है, या हां हल्की सी मेरे को डिफरेंट लग रही है गाड़ी। प्लस आप इसको जब बाहर ले जाओगे तो आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएशन दिखाई दे जाएगा, तो आप बाहर के शॉट्स में होगा एक बार इसका वीडियो में। बाकी इसमें धूल तो अब इतनी जमा नहीं होगी ना जितनी मतलब पहले दिन हो रही थी। इसमें बस ये है कि लाइक इफ वी विल नॉट सजेस्ट टू यूज द यू नो कवर, बट या इफ ज्यादा गाड़ी डेली बेसिस पे यूज नहीं हो रही है, राइट, एंड द रोड इज रश क्राउड ज्यादा है, तो फिर हम सजेस्ट करेंगे यू कैन यूज, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो यार यही था। बाकी हम निकलते हैं, वरुण जी से मिलते हैं जो कार सर्जन है उधर, उनसे जाएंगे बात बात करेंगे, थोड़ी फाइनलाइज करेंगे इसको पूरे काम को। बट इसकी ब्लॉग आते रहेंगे क्योंकि इसकी जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है वो तो जब चलेंगे भाई पता चलेगा। प्लस केयर भी करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम करा लिया तो भाई बस बैठ जाओ आराम से, साफ मत करो कुछ नहीं, तो वो सब कुछ करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ ही गाड़ी साफ मिलेगी हमें। तो देखते हैं कैसी रहती है, क्या चलता है, बट इनिशियली इज फाइन। और एक चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल कि यार गाड़ी नहीं लेने के बाद ही इसको करवा लेना, वेट मत करना कि यार एक दो महीने रुक जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में स्क्रैचेस आ जाते हैं, कहीं से पेंट निकल जाता है, तो फिर आपको मतलब फ़ायदा नहीं होगा कि वो जो पेंट निकला हुआ है वो चमके, क्योंकि ग्लॉस आएगा बाद में गाड़ी में, है ना, और फिर वो चीज़ चमकती है, क्योंकि उसको ठीक कराओगे तो मतलब नहीं, नहीं गाड़ी में पेंट करवाना वो सब, तो गाड़ी नहीं लेके आओ तो ये काम करवा लो और इसका लॉन्ग टर्म देखते हैं कैसा रहता है। बट हाँ, गाड़ी काफ़ी कंपेरेटिवली स्मूथ हो चुका है, टेक्सचर और चमक रही है और पानी भी नहीं रुकता है इस पर, धूल भी है देखते हैं कम लेनी चाहिए, गाची तो ये बोल रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो जिनसे मैंने बात करी थी ये इसको ग्रेफिन कराने के लिए, उनके वर्कशॉप पे मैं खड़ा हूँ अभी, पीछे आप देख सकते हो कार सर्जन, ये वर्कशॉप है, पूरी अच्छी खासी बड़ी वर्कशॉप है, आवास विकास कॉलोनी के पास, एड्रेस में डाल दूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियों का काम होता है, मतलब जैसे ऑडी, मैं दो तीन दिन पहले आया था तो ऑडी खड़ी हुई थी यहाँ पे, और काफ़ी मेजर जो आपकी फोक्सवैगन की सारी गाड़ियाँ होती हैं उनका काम हो रहा था। प्लस अभी हमारे I20 यहाँ पे भी होके आई है, उनसे बात बात करनी थी मेरे को दो तीन चीज़ों के बारे में, तो वो था। प्लस काफ़ी सारे काम होते हैं, इंजन का काम होता है यहाँ पे मेजरली, जो भी आपका वर्कशॉप के अंदर सारे काम होते हैं, और आप देख सकते हो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे
आपके सर्विस सेंटर वाले मेंटेन है, बी वन बी टू बी थ्री और अच्छी खासी बनी हुई अंदर केबिन है, सब कुछ है, प्राइसिंग भी ठीक ठाक होगी यहाँ पे, प्लस काम जो है वो जेन्युइन होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, तो वो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना और वो सोच के आप यहाँ पे आ सकते हो अपनी गाड़ी ठीक कराने, जेन्युइन काम होगा और कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे आके आप पूछ लेना, अंदर वरुण जी बैठे होते हैं उनसे, प्लस मेरा रेफरेंस दे देना कि हाँ यार युवराज के चैनल पे देखा था और आए थे, हमें थोड़ा बहुत काम कराना था, तो वो देख लेंगे जितना हो सकता है। तो दिस इज़ दी ओवरऑल वर्कशॉप कार सर्जन और एड्रेस में डाल दूंगा, प्लस गाड़ी का हमारा काम हो चुका है, सब कुछ ठीक है, फाइनलाइज हो गया है और अब हम चलते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं और देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करती है हमारी ग्राफीन कोटिंग गाड़ी के ऊपर और फिर आपको बताएंगे, ठीक है, मिलते हैं।